हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। मानना है कि आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और आप इस बदलते हुए मौसम में अपना ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि आगामी कुछ ही दिनों में राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा आपकी एग्ज़ाम्स प्रारंभ होने वाली हैं, आपकी इम्तिहान प्रारंभ होने वाली हैं। जो अंतिम ईयर में बीए बीएससी बीकॉम अंतिम ईयर में बैठे हैं और जो मास्टर डिग्री के अंतिम ईयर में बैठे हैं, तो मेरा मानना है कि आप सभी अपने घरों पर अपने अध्ययन को प्रॉपर रूप से गति दे रहे होंगे और अभी तक भी जो नियमित रूप से सिटिंग नहीं कर पा रहे हैं वो विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें, नियमित रूप से सिटिंग करें, जिससे कि उनकी जो कटी हुई पढ़ाई है, छूटी हुई पढ़ाई है, उसके साथ वह पुनः जुड़ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि आप सभी अपने घरों में यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से आप अपने पढ़ाई को गति दें, क्योंकि वर्तमान के दौर की बात करें तो वर्तमान का दौर प्रतियोगिता का दौर है। इस प्रतियोगिता के दौर में अपने आप को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत, कड़ी प्रतिस्पर्धा करने पड़ेगी और एक ऐसा जो आपको एकेडमिक डिग्री के साथ साथ जो आपको प्रतियोगिता का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने वाला ये कोई संस्थान है, एजुकेशन संस्थान है, तो वो MCIT है। तो आप इससे जुड़े रहिए, आप प्रॉपर रूप से अपने जो लेक्चरर साहिबान हैं, जो लेक्चरर महोदय हैं, जो प्राध्यापक हैं, उनसे आप संपर्क में रहे, उनके निर्देशानुसार आप अपने कार्य को गति दें। जो हमारे नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन प्रवेश ले रहे हैं या प्रवेश ले चुके हैं, मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके कक्षा 12 के बाद में जो 3 साल हैं, ये 3 साल अति महत्वपूर्ण सालों में शामिल हैं। इसी में ही आपका करियर बनने वाला है, इसलिए आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतते हुए आप इन्हीं ऑनलाइन क्लासों के साथ में और जब भी सामान्य स्थिति होती है, जब ऑफलाइन क्लासें लगती हैं, उसके साथ में आप प्रतियोगिता की तैयारी करते रहे और प्रतियोगिता की तैयारी को आप विशेष रूप से गति देते रहे। यहाँ इस संस्था के द्वारा जो विषय अध्यापकों के द्वारा अध्यापन करवाया जाता है, तो आपको करियर गाइडेंस की सलाह भी प्रोवाइड करवाई जाती है, आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, क्योंकि यह मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अकादमिक डिग्री के साथ साथ प्रतियोगिता के गाइडेंस के लिए भी और यहाँ पर विशेष क्लासों का आयोजन किया जाता है। इसलिए मेरा मानना है प्यारे विद्यार्थियों कि आप सभी लोग पढ़ाई से जुड़े और पढ़ाई से जुड़ने के साथ साथ आप सारे विद्यार्थी यानी इस प्रकार से तैयारी करें कि आने वाले आपके ये 3 साल हैं, ये आपके लिए उपयोगी साबित हो, अच्छे साबित हो और आपके घर वालों के जो सपने हैं वो घर वालों के सपने आपके साकार हो सके। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की क्लास को पुनः आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ। देखिए, हम क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल की संरचना की बात कर रहे थे, जिसमें मेसोस्फीयर की बात कर रहे थे, मध्यमंडल की बात कर रहे थे और हमारा जो फैक्ट था जहाँ पर छोड़ा था उससे हम आगे बढ़ा रहे हैं कि मध्यमंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर के ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हो जाता है। यह गिरावट -100 डिग्री सेंटीग्रेड से -133 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है, यहाँ तक भी तापमान इस परत में गिर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जब इतनी गिरावट इस परत में देखने को मिलती है टेम्परेचर संबंधी, अर्थात हम बात करें जो स्टेटोपोज है पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है, स्टेटोपोज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है और इसके ऊपर तापमान क्या होने लग जाता है, तापमान घटने लग जाता है, तापमान में ह्रास होने लग जाता है। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि तापमान में यहाँ पर ह्रास होने लग जाता है। अब देखिए, आगे हम फैक्ट को बढ़ाते हैं कि मध्यमंडल की इस ऊपरी सीमा को टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं,
मध्य मंडल है कि ऊपरी सीमा को, किसको, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को, जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है, इस मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है को यानी मेसोपोज कहते हैं। मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को, ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं, यानी मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। देखिए आप, इसको क्या कहते हैं, इसको मेसोपोज कहते हैं, यानी मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। अर्थात देखिए आप, हम आपसे बात करते हैं कि जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल की जो ऊपरी अपर लेयर है उसको हम मेसोपोज कहते हैं, जहाँ से यानी जहाँ मध्य मंडल की तो ऊपरी सीमा है, मध्य मंडल की तो कौन सी सीमा है, मध्य मंडल की तो ऊपरी सीमा है, अर्थात मध्य मंडल की ऊपरी सीमा जैसे ही खत्म हो जाती है तो वैसे ही आयन मंडल की निचली सीमा प्रारंभ हो जाती है, अर्थात आयन मंडल के मध्य और मध्य मंडल के मध्य जो हमारे पास में जो संक्रमण मंडल पाया जाता है, जो संक्रमण जोन पाया जाता है उसको मेसोपोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उसको मेसोपोज के नाम से जानते हैं, अर्थात जो मेसोस्फीयर है इसका अपर बात, मैं अपर लेयर की बात कर रहा हूँ, मैं ऊपरी सीमा की बात कर रहा हूँ आपसे प्यारे विद्यार्थियों, कि जो इसकी ऊपरी सीमा है, इसकी ऊपरी सीमा को किस नाम से जाना जाता है, इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपोज के नाम से जाना जाता है, अर्थात मेसोपोज वह सीमा है जो आयन मंडल का तो निचली परत का भाग है और आपके मध्य मंडल का ऊपरी परत का भाग है, अर्थात शीर्ष वाला भाग है। इस प्रकार के मंडल को जो हमने नाम दिया है वह नाम क्या है, वह है मेसोपोज। हम इसको क्या कहते हैं, मेसोपोज के नाम से जानते हैं। तो कन्फ्यूजन कहीं भी नहीं होना है। देखिए, मैंने कल के क्लास में भी आपको ये जो आपकी ये जो ट्रांजेक्शन जोन है ना, ये संक्रमण जोन है, मैंने इन संक्रमण जोन की आपसे बात की थी। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने शोभ सीमा पढ़ा था, हमने समताप सीमा पढ़ा था और हम मेसोपोज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तीन हमारे पास में पोज आ गए हैं। फिर भी मैं इस टॉपिक को जैसे ही हम समाप्ति की ओर लेकर के चलेंगे, मैं पुनः आपके सामने एक बार उसका रिवीजन कर दूंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, ठीक है ना। मेसोपोज में तापीय प्रतिलोमन अगला फैक्ट है। मेसोपोज में तापीय प्रतिलोमन मेसोपोज में तापीय प्रतिलोमन प्रतिलोमन अस्सी किलोमीटर की ऊ
ऊंचाई के बाद यानी मेसोपोज में तापीय प्रतिलोमन 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इंगित करता है या इंगित होता है कि ऊंचाई के बाद इंगित करता है। देखिए आप कि ऊंचाई के बाद इंगित करता है या इंगित होता है। इंगित करता है देखिए मेसोपोज में जो तापीय प्रतिलोमन होता है वह तापीय प्रतिलोमन कहाँ इंगित होता है। तापीय जो प्रतिलोमन इंगित होता है वह इंगित होता है कहाँ। वह इंगित होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में। कितने किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में? 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में जो तापीय प्रतिलोमन होता है वह तापीय प्रतिलोमन इंगित होता है अंकित होता है क्योंकि इसके नीचे क्योंकि इसके नीचे कम तापमान क्योंकि इसके नीचे कम तापमान रहता है क्योंकि इसके नीचे क्या रहता है क्योंकि इसके नीचे कम तापमान रहता परंतु 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 इसके ऊपर अधिक तापमान परंतु इसके ऊपर अधिक तापमान रहता है परंतु इसके ऊपर परंतु इसके ऊपर अधिक तापमान रहता है। देखिए आप मेसोपोज में तापीय प्रतिलोमन 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इंगित करता है या इंगित होता है यानी तापीय प्रतिलोमन क्योंकि इसके नीचे कम तापमान रहता है यानी 80 किलोमीटर के नीचे तो कम तापमान रहता है और 80 किलोमीटर के ऊपर अधिक तापमान रहता है यानी मेसोपोज है ना। हम मेसोपोज की बात कर रहे हैं भाई लोगों तो मेसोपोज आप शब्दावली पर थोड़ा सा अपना ध्यान इंडिकेट करें अपनी नज़र पसारे थोड़ा सा यहाँ पर आप मेसोपोज की बात करिए। देखिए हम बात कर रहे हैं मेसोपोज की तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है मेसोपोज तो मैं मेसोपोज की बात करूँ तो मेरे पास में क्या आ गया मेरे पास में आ रहा है एक तो कौन सा मंडल एक तो आ रहा है मध्य मंडल। ठीक है जी एक तो मध्य मंडल आ गया और मध्य मंडल के बाद में दूसरा मंडल कौन सा आ गया मेरे पास में आ गया कौन सा मंडल आयन मंडल। कौन सा मंडल आ गया आयन मंडल। ठीक है ये दो मंडल आ गए जब ये दो मंडल आ रहे हैं एक तो मध्य मंडल आ रहा है और एक आयन मंडल आ रहा है। हमने कल भी इसको समझाने का आपका प्रयास किया था प्यारे विद्यार्थियों मैं पुनः आज में एक उदाहरण यही है कि मेसोपोज को मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसको दो भागों में बांट दिया किसको बांट दिया मेसोस्फीयर को तो ये तो मेसोस्फीयर का कौन सा भाग हो गया यह तो मेसोस्फीयर का कौन सा भाग हो गया निचला भाग हो गया है मेसोस्फीयर का।
और यह है मेसोस्फीयर का कौन सा भाग हो गया, यह है मेसोस्फीयर का ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें इस मंडल के आयन मंडल की, तो यह है आयन मंडल का कौन सा भाग हो गया, यह है जो आयन मंडल आया इस आयन मंडल का कौन सा भाग हो गया, यह है आयन मंडल का निचला भाग है, और यह है आयन मंडल का कौन सा भाग है, यह है आयन मंडल का ऊपरी भाग है। इसका मीन्स मैं आपसे कौन से बंडल की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस जोन की, जहाँ पर देखो मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ ना, ये ट्रेसिंग देखिए आप, ये जो ट्रेसिंग देखिए, मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, मैं ये जोन आ रहा है मेरे पास में, जब ये जोन आया तो ये जोन कौन सा है मेरे पास में, मुख्य रूप से बात करें तो यह है जोन है मेरे पास में मेसोपूज। मैंने इसको क्या कहा है, मैंने इसको मेसोपूज के नाम से जाना है। ठीक है जी, अब आप इस कॉन्सेप्ट पर यहाँ आइए, मैं इसकी आपसे बात कर रहा हूँ इस वाले भाग की, यानी हम जो बात कर रहे हैं आपसे इस वाले भाग की, इसको हम मेसोपोज कह रहे हैं। ठीक है ना, जो मैंने अलग से इंडिकेट किया है, यानी ताप ये प्रतिलोपन 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इंगित करता है, मध्य मंडल की सीमा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखिए आप, देखिए तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई के नीचे तो तापमान क्या रहता है, कम, तो ये देखो कम रहता है ना, ये देखो माइनस में रहता है टेम्परेचर, ये देखो मैंने ये कॉन्सेप्ट ऊपर लिख रखा है ना, ये देखो माइनस में टेम्परेचर, अब तो क्लियर हो रहा होगा ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंगित करता है, क्योंकि इसके नीचे 80 किलोमीटर के नीचे टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा परंतु इसके ऊपर पुनः टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, यानी इसके ऊपर टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ से इस लाइन से, तो आप इसका संबंध यहाँ पर बिठाइए, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आगे बात करते हैं और आगे हम टॉपिक को बताते हैं, किसको हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी मेसोस्फीयर का जो हमारा अगला टॉपिक है ना, ये यानी मध्यमंडल में मध्यमंडल में नाक लूसेंट यानी नॉक्टी लूसेंट बादलों नॉक्टी लूसेंट कौन से बादल नॉक्टी लूसेंट बादलों का का धुरों के ऊपर गर्मियों में
दर्शन होता है। का धुरुओं के ऊपर, पोलर के ऊपर क्या होता है, गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण इन बादलों का इन बादलों का निर्माण कौन से बादल, नॉक्टिलुसेंट बादल, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स, इन बादलों का निर्माण उल्का धूल, इन बादलों का निर्माण किनका, इन बादलों का निर्माण इन बादलों का निर्माण इन बादलों का निर्माण किससे, इन बादलों का निर्माण उल्का धूल है, इन बादलों का निर्माण किससे, उल्का धूल यानी उल्का धूल, यानी इन बादलों का निर्माण उल्का धूल, मीटियोरिक, मीटियोरिक ठीक है ना, मीटियोरिक डस्ट, मीटियोरिक डस्ट, इन बादलों का निर्माण मीटियोरिक डस्ट, का निर्माण मीटियोरिक डस्ट मीटियोरिक डस्ट से होता है, किससे होता है, मीटियोरिक डस्ट से होता है, यानी उल्का धूल
मीटियोरिक मीटियोरिक डस्ट से होता है, डस्ट से होता है। डस्ट से होता है, डस्ट से होता है। देखिए, मध्यमंडल में नोक्टिलुसेंट बादलों का ध्रुव के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। अर्थात कौन से बादल है नोक्टिलुसेंट बादलों का जो दर्शन होते हैं, यानी निर्माण, दर्शन का मतलब निर्माण से है। यहाँ पर दर्शन की हम बात करें आपसे, तो दर्शन का मीन्स होता है निर्माण। हम निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण ध्रुव के ऊपर गर्मियों में होता है, ठीक है ना। ध्रुव के ऊपर सीजन कौन सी होती है, सीजन गर्मी की होती है। कौन सी सीजन, गर्मी की सीजन होती है। ध्रुव के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल मीटियोरिक डस्ट से होता है। यह अर्थात जो उल्का की धूल होती है, उस उल्का की धूल के कारण से ध्रुव पर यानी जलवाष्प के माध्यम से बादलों का क्या हो जाता है, बादलों का निर्माण हो जाता है। किसके माध्यम से, मीटियोरिक डस्ट के माध्यम से। मीटियोरिक यानी उल्का धूल के कारण से ध्रुवों पर यानी पोलर वाले एरिया पर ऋतु कौन सी होती है, यानी समर सीजन होती है, यानी गर्मी की सीजन होती है। उस गर्मी की सीजन में इनका निर्माण हो जाता है। कौन, किसका निर्माण हो जाता है, इन बादलों का निर्माण हो जाता है। कौन से बादलों का, नोक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण ध्रुव पर गर्मी की ऋतु में हो जाता है, उल्का डस्ट के कारण से, मीटियोरिक डस्ट के कारण से। यानी उल्का धूल, और आगे और इसमें और है, उल्का धूल एवं उल्का धूल क्या, उल्का धूल, और एक तो उल्का धूल और एक संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से ऊपर यानी ऊपर लाई गई यानी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से कंडेंसेशन होने से यानी कंडेंसेशन होने से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा कंडेंसेशन होने से
संघनन होनी से होता, होनी से होता है। कंडेंसेशन होनी से होता है। कंडेंसेशन होने से होता है। से होता है, किसे होता है? से होता है। देखिए देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यानी इन बादलों का निर्माण एक तो उल्का धूल से होता है, यानी मीटियोरिक डस्ट के माध्यम से होता है। एक तो मीटियोरिक डस्ट के माध्यम से होता है, दूसरा संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से, यानी संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। कैसे? देखो, धरातल के आसपास में तापमान के अधिक होने के कारण से, यानी धरातल के आसपास में तापमान के अधिक होने के कारण से और हवा का गर्म होकर के ऊपर उठने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संवहनीय प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? समझ, दोबारा समझिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ आपको विद्यार्थियों कि धरातल के आसपास में सूर्य से आने वाली, यानी विकिरणों के कारण से या सूर्य से आने वाले, यानी सूर्य की किरणों के माध्यम से धरातल के पास में स्थित हवा का गर्म होकर और गर्म व हल्की होकर के ऊपर उठने की प्रक्रिया को हम संवहनीय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। जब धरातल के आसपास का भाग गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर के मध्य और एयर प्रेशर के मध्य व्युत्क्रमण अनुपाती संबंध होता है। जिस स्थान विशेष पर टेम्परेचर अधिक होता है तो वहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर बनता है। तो जब वहाँ पर लो प्रेशर बनता है और टेम्परेचर अधिक होगा, और हम बात कर रहे हैं समर सीजन की, ये देखो गर्मियों की ऋतु की हम आपसे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे गर्मियों की ऋतु की बात कर रहे हैं। जब सीजन हमारे पास में कौन सी है? सीजन हमारे पास में गर्मियों की है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि हम आपसे बात करें कि सीजन हमारे पास में गर्मियों की है और हम आपसे बात क्या करना चाह रहे हैं, हम आपसे बात ये करना चाह रहे हैं कि एक तो उल्का धूल यानी मीटियोरिक डस्ट एवं संवहनीय प्रक्रिया मैंने अभी समझाया कि तापमान अधिक होने के कारण से जो धरातल है, इस धरातल के पास की हवा का गर्म एवं हल्की होकर के ऊपर उठने की प्रक्रिया, अर्थात धरातल के गर्म होने के कारण से धरातल पर जो वाटर बॉडीज हैं, जो जल के स्रोत हैं जिनमें सागर महासागर हैं, उनका पानी गर्म होगा, गर्म होकर के क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, जलवाष्प बनेगी और वह ऊपर की ओर उठेगी और बादलों का निर्माण करेगी। अब देखिए, वह जलवाष्प जैसे ही विरल होगी, हल्की होगी, गैसीय रूप में ऊपर उठ जाएगी, गैसेज फॉर्म में होगी वो, यानी वो पहले जल लिक्विड फॉर्म में था, तो लिक्विड अवस्था से, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जब जलवाष्प आ रही है तो हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे विद्यार्थियों। जब वह गैसेज फॉर्म में आ गया तो हल्का हो गई, हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी। जैसे ही वह जलवाष्प किसी नम वातावरण के संपर्क में आएगा, ठंडे वातावरण के, आर्द्रता युक्त वातावरण के संपर्क में आएगा, यानी जैसे ही आर्द्रता युक्त वातावरण के संपर्क में आने के बाद में उनमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, उनमें संघनन की प्रक्रिया होगी। क्या? वह जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया करेगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगी। वह किस प्रकार से होगा? वह इस प्रकार से होगा कि वह जलवाष्प छोटे छोटे
वाटर ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित हो जाएंगे, और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स यानी आपस में जुड़ करके और बड़े ड्रॉपलेट्स का निर्माण कर लेंगे, और इससे बड़ी जल बूंदें होते ही वह भारी हो जाएंगी और उसी यानी आर्द्रता युक्त या नमी युक्त क्षेत्र में क्या कर देंगे, वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो जलवाष्प का छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। अर्थात यानी जलवाष्प का जल बूंदों के रूप में परिवर्तित होना कंडेंसेशन कहलाता है, जलवाष्प कहलाता है। अर्थात इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर होती रहती है। कौन सी प्रक्रिया? एक तो मीटियोर यानी जो मीटियोर के डस्ट है उसके मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो आपके पास में आई है मीटियोरिक डस्ट है। इसके अलावा जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है उसके कारण से कौन से बादलों का निर्माण होता है, ध्रुवों के ऊपर, पोलर के ऊपर, यानी नॉक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण होता है, और नॉक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण गर्मी की ऋतु में ध्रुवों के ऊपर होता है। उसके निर्माण के पीछे हमारे पास में दो कारण आए, एक तो हमारे पास में आता है क्या यानी मीटियोरिक डस्ट यानी उल्का धूल, और उसी के साथ साथ हमारे पास में क्या आती है, संघनन कंडेंसेशन का प्रोसेस। इन दो के माध्यम से बादलों का निर्माण होना, और वह बादल कौन से प्रकार के होते हैं, नॉक्टिलुसेंट प्रकार के बादल होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मध्यमंडल में एयर प्रेशर, मध्यमंडल में मध्यमंडल में वायुदाब बहुत कम होता है, वायुदाब बहुत कम होता है। मध्यमंडल में कौन से मंडल में, मैं आपसे कौन से मंडल की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मध्यमंडल में। तो मध्यमंडल में कौन से मंडल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ मध्यमंडल की, कि मध्यमंडल में वायुदाब बहुत क्या होता है, वायुदाब बहुत कम होता है, यानी वायुदाब मध्यमंडल में वायुदाब बहुत कम होता है। जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई, जो 50 किलोमीटर जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई कितने ऊंचाई जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई अर्थात स्ट्रेटोपोज पर अर्थात अर्थात स्ट्रेटोपोज पर हैं, अर्थात स्ट्रेटोपोज पर एक मिलीबार तथा मेसोपोज पर यानी एक मिलीबार एक मिलीबार एवं तथा मेसोपोज पर
तथा तथा मेसोपोज पर यदि मैं मेसोपोज की बात करूं, मेसोपोज की मैं आपसे बात करूं, तो ऊंचाई लगभग है 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर 0.01 MB। ये सिंबल है मिलीबार का, मिलीबार होता है। मिलीबार होता है यानी मध्य मंडल में वायुदाब बहुत कम होता है। जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई अर्थात स्ट्रेटोपोज पर एक मिलीबार होता है, 1 MB। आप ध्यान रखिए, हमें जो वायु का दबाव होता है यानी वायु दाब, एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर की जो यूनिट हमारे पास में आती है यानी एयर प्रेशर जो वायु दाब है उसको हम किस में इंडिकेट करते हैं। हम वायु दाब को मुख्य रूप से किस में इंडिकेट कर रहे हैं, हम वायु दाब को इंडिकेट कर रहे हैं एमबी में, किस में इंडिकेट कर रहे हैं, जो वायु दाब का हमारे पास में क्या है, सिंबल है, यानी जो एयर प्रेशर का सिंबल है, इसका जो एयर प्रेशर का हमारे पास में सिंबल है, यदि मैं इसकी आपसे बात करूं, जो एयर प्रेशर है उसको हम इंडिकेट करते हैं किसके माध्यम से, एमबी के माध्यम से, मिलीबार के माध्यम से। ध्यान रखना, जहां यदि वायु दाब का आपसे सिंबल पूछे, यदि इंडिकेशन पूछे, तो हम क्या लिखेंगे, एमबी। एमबी का मतलब होता है मिलीबार। क्या होता है, मिलीबार होता है। क्या कहते हैं, मिलीबार होता है। तो मध्य मंडल में वायु दाब बहुत कम होता है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई अर्थात स्ट्रेटोपोज पर, किसके ऊपर, स्ट्रेटोपोज के ऊपर जो 1 मिलीबार होता है, तथा मेसोपोज पर वही 0.01 मिलीबार ही होता है। देखो, स्ट्रेटोपोज पर और मेसोपोज पर इतना अंतर आ जाता है दोनों के मध्य, कितना अंतर, एक जगह तो 1 मिलीबार है और दूसरी जगह हमारे पास में कितना मिलीबार आ रहा है, हमारे पास में जो मिलीबार आ रहा है वह मिलीबार आ रहा है 0.01 मिलीबार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारे पास में चर्चा चल रही थी, यह चर्चा चल रही थी हमारे पास में किसकी, वायुमंडल की संरचना की, किसकी, वायुमंडल की संरचना की हम आपसे चर्चा कर रहे थे। तो वायुमंडल की संरचना में हमारे पास में मंडल कौन सा आया था, हमारे पास में मेसोस्फीयर आया था। मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसमें गिरावट आता है यानी डिक्रीज होता है टेम्परेचर, इंक्रीज नहीं होता है। स्ट्रेटोपोज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है, इसके ऊपर तापमान घटने लगता है, अर्थात मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान माइनस 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह गिरावट -100 डिग्री सेंटीग्रेड से 133 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहते हैं। मेसोपोज में तापीय प्रतिलोमन 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इंगित करता है यानी इंगित होता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान तथा इसके ऊपर अधिक तापमान रहता है। मध्य मंडल में नोक्टिलुसेंट बादलों का निर्माण होता है, जो मैंने अभी विस्तृत चर्चा की है, क्योंकि एक तो उल्का धूल होती है यानी एक तो मीटियोरिक डस्ट होती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। जब यहाँ कंडेंसेशन की इस प्रकार की प्रक्रिया होती है इसके कारण से, और मध्य मंडल में वायुदाब बहुत कम होता है,
50 किलोमीटर की ऊंचाई अर्थात स्टेट ऑफ पॉज पर यानी एक मिलीबार, तो वही मेसो पॉज पर बात करें 0.01 मिलीबार यहाँ का क्या होता है, यहाँ का वायु दाब होता है। वायु दाब का जो हमारे पास में जो सिंबल आ रहा है, ये सिंबल की हम आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहे हैं, वह MB आया है। MB के माध्यम से हम जो अंकित करेंगे, हम जो अंकित कर रहे हैं वह क्या अंकित कर रहे हैं, हम अंकित कर रहे हैं मिलीबार को, यानी वहाँ के वायु दाब को। किसको अंकित कर रहे हैं, वहाँ के हम वायु दाब को अंकित कर रहे हैं, ठीक है ना, हम वहाँ के वायु दाब को अंकित कर रहे हैं। अगला जो हमारे पास में मंडल आता है, जिस मंडल की हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वह चौथे मंडल के रूप में हमारे पास में मंडल शामिल हो रहा है। यदि हम उस मंडल की बात करें तो हमारे पास में आता है कौन सा मंडल, हम उस मंडल के अगले मंडल की आपसे बात करें तो हमारे पास में मंडल आता है आयन मंडल। कौन सा मंडल, हमारे पास में अगला मंडल आता है आयन मंडल। इस मंडल की हम आपसे बात करते हैं कि नेक्स्ट मंडल चौथे क्रम का, चौथा क्रम का जो मंडल आ रहा है, उस चौथे क्रम के यदि मैं मंडल की आपसे बात करूं तो वह मंडल आता है हमारे पास में कौन सा मंडल, आयन मंडल, ठीक है। देखिए जो चौथे क्रम का मंडल है, जो चौथे क्रम का मंडल आया है हमारे पास में, यदि मैं उस मंडल की आपसे बात करूं तो वह मंडल आ रहा है कौन सा मंडल, आयन मंडल, यानी आयन मंडल है। यानी आयन मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यह हमारे पास में जो मंडल है उसमें मंडल की आपसे बात कर रहा हूँ, वह मंडल है आयनोस्फीयर, यानी आयनोस्फीयर। कौन सा स्फीयर है, आयनोस्फीयर है आयन मंडल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण मंडलों में शामिल है आयन मंडल। हम इसके फैक्चुअल चीज़ों की ओर बात करें तो आयन मंडल अति महत्वपूर्ण मंडलों में साबित होता है हमारे पास में, अति महत्वपूर्ण मंडल है आयन मंडल। कौन सा मंडल है, अति महत्वपूर्ण मंडल है आयन मंडल। यह हमारे पास में अति महत्वपूर्ण मंडलों में साबित होता है। देखिए हम आयन मंडल की फैक्चुअल चीज़ों की बात करते हैं। आयन मंडल है, देखिए आयन मंडल ओजोन मंडल आयन मंडल आयन मंडल ओजोन मंडल। कौन सा मंडल, आयन मंडल ओजोन मंडल के ऊपर स्थित मंडल है। ओजोन मंडल के ऊपर स्थित
क्या है, मंडल है, ओजोन मंडल। कौन सा मंडल? ओजोन मंडल है। ओजोन यानी आयन मंडल है। ओजोन मंडल के ऊपर स्थित मंडल है। कौन से मंडल के ऊपर स्थित है? यानी ओजोन मंडल के ऊपर स्थित मंडल है। अथवा मैं इसको ऐसे न कह के ऐसे भी कह सकता हूं ना, अथवा अथवा मेसोस्फीयर किसके ऊपर? मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित के ऊपर स्थित मंडल है। अर्थात मेसोस्फीयर किसके ऊपर? मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित मंडल है। किसके ऊपर? मेसोस्फीयर के ऊपर मंडल है। किसके ऊपर है? मेसोस्फीयर के ऊपर मंडल है। मैं आपसे बात करूं, आयन मंडल ओजोन मंडल के ऊपर स्थित मंडल है, तो सही बात है ना। आयन मंडल कहाँ पर है? ओजोन मंडल। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, अथवा मेसोस्फीयर की बात कर रहे हैं ना हम। अर्थात समताप मंडल, समताप मंडल में कौन सी गैस की सांद्रता? ओजोन गैस की सांद्रता। सर्वाधिक सांद्रता कहाँ तक पाई जाती थी? 22 किलोमीटर पर सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। लेकिन ओजोन गैस कहाँ तक मिलती है? 80 किलोमीटर तक मिलती है, ठीक है ना। अब उसी कारण से हम ओजोन गैस की प्रधानता होने के कारण से उस मंडल में हम किसको शामिल कर रहे थे? हम ओजोन गैस को शामिल, तो ओजोन मंडल को भी उसी में ही शामिल कर रहे थे। लेकिन जब हमने मध्य समताप मंडल में आपने ओजोन को शामिल कर लिया, तो उसके बाद में तीसरे क्रम पर कौन सा मंडल आया? मेसोस्फीयर आया ना मध्य मंडल। तो मैंने ये भी तो लिखा ना कि मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित मंडल है। किसके ऊपर स्थित मंडल है? यानी मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित मंडल है। देखिए अगला फैक्ट है, आयन मंडल का प्रारंभ का प्रारंभ का प्रारंभ धरातल से, आयन मंडल का प्रारंभ किसका? आयन मंडल का प्रारंभ धरातल से धरातल से साठ किलोमीटर की ऊंचाई तक की ऊंचाई तक होता है।
60 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। कितने ऊंचाई तक होता है? 60 किलोमीटर के ऊंचाई तक होता है। और इस विस्तार को और इस विस्तार को 640 और इस विस्तार को 640 किलोमीटर तक माना गया है। और इस विस्तार को कहाँ तक माना गया है? 640। कुछ जगह 500 भी मिलता है, कुछ जगह आपको 500 का आंकड़ा भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसका विस्तार कहाँ तक माना गया है? 640 किलोमीटर तक। कहाँ से प्रारंभ होता है? यदि हम प्रारंभिक बिंदु की बात करते हैं तो कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी 60 किलो धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होता है। और कहाँ तक मिलता है अपने को? यह मिलता है 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। कहाँ तक मिलता है? यह है 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे को मिलता है। क्या आयन मंडल का विस्तार, यानी आयनोस्फीयर का विस्तार जो मिलता है, यानी इस परत का आभास, यानी कि ऐसी परत भी कोई होती है क्या वायुमंडल में? तो इस परत का आभास आयन मंडल का आभास, किसका आभास? आयन मंडल का आभास सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा मिला, यानी आयन मंडल का आभास सर्वप्रथम किसके द्वारा मिला? सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के आभास के द्वारा मिला। और इस परत की अधिक जानकारी और इस परत की अधिक जानकारी ध्रुवीय ज्योति ध्वनि तरंगों
धूर्वे ज्योति धमने तरंगों तथा राकेटों तथा रॉकेटों तथा रॉकेटों यानी आयन मंडल का आभास सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा मिला और इस परत की अधिक जानकारी ध्रुवीय ज्योति ध्वनि तरंगों तथा रॉकेटों के द्वारा भी प्राप्त हुआ। के 12 भी प्राप्त हुआ। के द्वारा भी प्राप्त हुआ, देखिए यानी आयन मंडल का आभास सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त हुआ? रेडियो तरंगों के द्वारा, यानी रेडियो की जो तरंगे थी यानी उसके संचालन से, यानी रेडियो का संचालन किया गया तो उस रेज पर जाकर के रेडियो ने अपना रेडियो का सिग्नल काम करने लगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आभास हुआ वह आभास कहाँ से हो गया था? रेडियो तरंगों के संचालन के माध्यम से हो गया था। लेकिन जो और अधिक जो जानकारी मिली है वह अधिक जानकारी कहाँ से मिली? ध्रुवीय ज्योति के माध्यम से मिली, ठीक है ना। ध्रुवीय ज्योति के माध्यम से मिली, ध्वनि तरंगों के माध्यम से मिली तथा रॉकेटों के माध्यम से मिली। किसके माध्यम से मिली? ध्रुवीय ज्योति के माध्यम से मिली, रॉकेटों के माध्यम से मिली और ध्वनि तरंगों के माध्यम से मिली। अगला फैक्ट है, आयन मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है, ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है और नाइन्टी फाइव किलोमीटर की ऊंचाई तक यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी आयन मंडल की विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ यहाँ पर क्या बढ़ने लगता है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ऊंचाई के साथ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हम बात कर रहे हैं कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं कि अप्रोक्स लगभग 95 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 95 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है? यहाँ का टेम्परेचर यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड
पहुंच जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, आंकड़ा ये कहता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ के टेम्परेचर की मैं आपसे बात करूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस बढ़ने के साथ साथ की यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये बढ़ता है, तो 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर कितना मिलेगा आपको, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर वहाँ का मिलेगा।